भाई दो दोस्त हैं, एक दोस्त ऐसा है जो बहुत ज्यादा स्कॉलर है पढ़ने में, और एक ऐसा दोस्त है जो बहुत कमजोर है। बट दोनों का दोनों ट्वेल्थ में पास हो गए। ट्वेल्थ में पास होने के बाद उन्होंने ऐसा ड्रीम बनाया कि भाई हमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है। उनका उन दोनों का ड्रीम था गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है। जब ऐसे बन एक स्कॉलर बंदा था, जब वो लोगों को बताता था यार मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो लोग बहुत खुश होते थे, अरे अरे ये तो कर लेगा, ये कर लेगा। और जब दूसरा बंदा था जो बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर था, जब उससे पूछो, वो लोगों को बताता यार मैं भी सोच रहा हूँ मैं ये गवर्नमेंट एग्जाम निकाल दूँ, कर दूँ, हो जाएगा, तो उसको देख के लोग हंसते थे। लोग हंसते थे, बोलते इससे इससे निकलेगा, इससे गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा। स्कूल के एग्जाम में तो इसकी बहुत बुरी हालत थी, पूरा पूरा हालत खराब हो जाता था, और ये इससे गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा। बट भाई कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो स्कॉलर बनता था वो बस बोल रहा था, बस बोल ही रहा था कि मैं निकालूंगा, करूंगा करूंगा, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट। उसने कभी भी पढ़ना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया। यहां जो दूसरा बंदा था उसने लोगों की जो हंसी, लोगों को चिढ़ाना और रिलेटिव की बातें सुन के अपने दिमाग पर बिठा लिया, और दिमाग में बिठा के जाके मर्डर नहीं कर दिया, जाके खून नहीं कर दिया। उसने लोगों को एक अच्छी तरीके से कि जिंदगी भर उनको याद रहे कि भाई सब कोई कर सकता है, बस करने वाला चाहिए। और उस बंदे ने आने वाले एग्जाम के पहले अटेम्प्ट में गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर दिया, और ये बंदा अभी भी करता ही जा रहा है। तो बता क्या रहा हूँ यार, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आपको अगर किसी को आंसर देना है ना, किसी को आंसर देना है, तो हाथ से आंसर मत दो, पेन से आंसर दो। कहने का मतलब आप एक स्टूडेंट हो, मुझे पता है इस समय जो चल रहा है, इस समय जो टाइम चल रहा है, घर में मम्मी का प्रेशर होगा, पापा का प्रेशर होगा, और सबसे ज्यादा मम्मी पापा के ऊपर रिलेटिव्स का प्रेशर होगा। टीचर वहां बोलती है ये तो कुछ नहीं हो पाएगा। टीचर जब भी प्रीलिम एग्जाम में मेरे पेरेंट्स को बुला रहे, पेरेंट्स को बुलाने का खूब चिल्ला रहे, खूब डांट रहे, और वहां पेरेंट्स जब मुझे देख रहे हैं, पेरेंट्स देखने के बाद वो पेरेंट्स भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, और जब पेरेंट्स मुझे बता रहे कि गधे तूने यहां भी हमारा नाम खराब कर दिया, और इसके बाद मैं और डिमोटिवेट हो गया। सर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और गड़बड़ हो गया तो फिर से वही रिलेटिव पापा मम्मी को बोलेंगे, और फिर से पापा मम्मी मुझे बोलते रहेंगे, तो सर मैं क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मैंने अभी तुझे बताया ना अभी कि किस बंदे ने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया, जो करना चाहता था, जिसको लोगों को आंसर देना था, और आंसर देने के बाद इनडायरेक्टली प्रॉफिट अपना ही हुआ ना। वो लोग तो अभी छुप छुप के घूम रहे होंगे। अब तू मिलना भी चाहता होगा तो तुझसे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो मिलने का तरीका अलग होगा। उस समय तुझे देख के हंसते थे, अब तुझसे मिलना चाहेंगे। तो भाई ये सब दिमाग में याद करो, अपने आप को अंदर से जगाओ, खूब जगाओ कि यार बोर्ड एग्जाम कितने दिन बचे हुए, कुछ नहीं, तेरा भाई दिन रात पड़ेगा। वो जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं ना, उनकी बात साइड हटाओ, नहीं इतने घंटे सोना चाहिए, और मैं मानता हूँ, चलो मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि रात भर पढ़ो, एटलीस्ट 8 घंटा साइंस बोलता है ना, तो साइंस को बोलो यार 2 घंटा मैं अभी कम सोऊंगा, मैं 6 घंटे ही सोऊंगा, तो 2 घंटा वो एक्स्ट्रा मिल गया। नहीं सर पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं दिमाग से पहले ये निकाल के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये दिमाग से हटा, समझ में सब आ रहा है कि ये सब मुझ पर हंस रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये कुछ भी कर ले नहीं जाने वाला, खत्म। ये अपने आप को समझा, और ये समझ के समझना स्टार्ट कर, पहले ये निकाल के क्या क्या मैं करूं कि मैं आराम से निकल जाऊं, फिर ये करने के बाद वो करना स्टार्ट कर कि मुझे अब अच्छा स्कोर करना, ऐसा स्कोर करना है कि स्कूल में जो टीचर बोलते थे ना, ये पास भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, ये तो यहाँ बैठता ही नहीं है, इसको तो मैंने बहुत बार बोला है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, और जब रिजल्ट आया ना, वही टीचर बुला के बोले अरे मैंने इसको बोला था ये कर लेगा। उस समय जो आप टर्निंग पॉइंट टीचर का देखोगे, या किसी और का देखोगे, या रिलेटिव का देखोगे, कि आज मेरे बदल जाने के बाद इनके उनकी बातें भी बदल गई है, उनकी बातें बस मुंह से बदली, आप देख वो लोग देख तुम्हें उसी तरह के तरीके से रहे, बट वो आज इसलिए बदले क्योंकि तुमने उनको एक जोरदार चमाटा दिया हुआ है, हाथ से नहीं अपने काम से। सो भाई जागो, टाइम बहुत कम है, ऐसा दिमाग को फिट करके चलो ना यार, कितने दिन पढ़ना है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, कुछ ही दिन पढ़ने के बाद तो फिर इसके बाद, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हर साल हमसे पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा। अब बोलेंगे बहुत लोग बोलेंगे नहीं पूछा जाता, भाई हर जगह आप लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम के मार्क्स, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, फिर उस समय दिल में कहीं ना कहीं, जब आपको आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुके रहोगे, तो दिल में ऐसा चुभता रहेगा यार इस समय
देखो मैं आज इस पोजीशन पे हूँ, बट इस समय इसमें पढ़ लिया होता ना यार, उस समय जो था ना ये चेंज हो चुका हो रहता, तो आज मैं 10th एंड 12th का जो परसेंटेज लिख रहा हूँ ना वो थोड़ा चेंज हो जाता। और इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है, लोग बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं यार अगर ये गलती करोगे, देखो सिंपल सी एक बात बताओ, आपको पता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ ये होने वाला है, और जब आपको पता लग के भी आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो भाई इसको मैं क्या बोलूं, आपको पता है ना। उनको गलतियां नहीं बोलते जो अनजाने में हो जा रही है, पर आप तो जानबूझ के कर रहे हो, आप तो बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हो ना गलतियां, तो गलतियां बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हो। आपको जब पता है, आपको जब पता है कि ये चीजें हो रही है, ये होने वाली है, आगे आने वाला है, अरे पेरेंट्स को खुश देखना चाहते हो ना, देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो मुझे बता दो, देखना चाहते हो, देखना चाहते हो तो भाई खुद की खुशी के लिए नहीं है, एटलीस्ट पेरेंट्स की खुशी के लिए, क्योंकि वो भी जब सांस ऐसे घूमे ना, रिजल्ट तुम्हारा लेके घूमे, और वो चाहे कि सामने वाला मुझसे पूछे कि तुम्हारे बेटे का 10th एंड 12th का रिजल्ट आ गया क्या, तब मुझे पता कोई नहीं पूछेगा, बट वो चांस एकदम। तो देखो पेरेंट्स को बस यही चाहिए, आप बोलोगे सर पर मेरे से नहीं हो पा रहा, कर रहे यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करो, जितना हो पा रहा है उतना करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब 99% ही निकाल दो, जितना हो पा रहा है उससे ज्यादा करने का ट्राई करो, ये नहीं कि 99%, जितना हो पा रहा है उससे ज्यादा करने का ट्राई करो, क्योंकि जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट ऐसा लेके घूमो ना, ऐसा लेके घूमो कि तुमसे जो पूछने वाले लोग तुमसे दूर भागे, तुमसे दूर भागे, और पेरेंट्स से जो पूछने वाले लोग तो वो पेरेंट्स से दूर भागे, और जिस दिन रिजल्ट का स्क्रीन खुलेगा ना, सब चीजें याद आना स्टार्ट होगा, धीरे 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 जब स्क्रीन खुलेगा ना उस समय सब चीजें याद आएगी, कि मैं बस हर दिन यही सोचता था कि मैं आज से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, प्रदीप सर ने पंच का बादशाह भी लाया था फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यही सोचा कि मैं स्टार्ट करूंगा बस यही मैं कर रहा था, मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं सोचता था यार 8 घंटा थोड़ी कोई पढ़ता है, 8 घंटा मैं जाके कमेंट कर देता था, नहीं मैं रात को सोना भी जरूरी है, माइंड फ्रेश होना भी जरूरी है, भाई माइंड ना अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा जैसे रिजल्ट आ गया, समझ में। इस समय अच्छा खा के, अच्छी चीजें इंटेक करके, अपने माइंड को संभाल के, समझा के, बाकी सोशल मीडिया जितना भी व्हाट्सअप हो गया ये हो गया भाई कुछ दिनों के लिए उससे दूरी बना लो, कि भाई बस थोड़े टाइम मुझे छोड़ दे, बाद में तेरे साथ ही रहना है मेरे को, क्यों मुझे तेरे साथ ही रहना है क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा रिजल्ट बनाना है, और साथ में तेरे साथ रहना है ना, तेरे साथ में रहना है। तो भाई इन सभी चीजों को दिमाग में लाओ, दिमाग को पूरा जगा दो कि भाई अब करना है तो मुझे करना ही है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई तो प्लीज 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 बोर्ड एग्जाम नजदीक है, करना स्टार्ट कर दो। जय हिंद।